शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जिंदगी अपनी सहज रफ्तार चली जा रही थी। कुछ समस्याएं तो थीं, पर ऐसी नहीं जिनसे पार न पाया जा सके। लेकिन तालिबान के आए, जैसे सारी दुनिया ही बदल गई। तालिबान में शुरू शुरू में तो इस्लाम के प्रति जोश खरोश से भरे नौजवान शामिल थे, जो मदरसों से तैयार होकर आए थे। पहले तो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर ही नजर आते थे, पर धीरे धीरे गांव में भी फैलते चले गए। तालिबानों ने भी बड़े बड़े दावे किए कि वे मुल्क में अमन चैन बहाल कर देंगे, लेकिन बदहाली, हिंसा और दमन के सिवाय उन्होंने कुछ नहीं किया। वे इस्लाम के नाम पर खास तरह की कट्टरता अपनाए हुए हैं, एक तरह का पागलपन, एक जुनून। वे उन्हें तो कत्ल कर ही देते हैं जो गैर मुस्लिम हैं, उन्हें भी नहीं बख्शते जो उनकी बात मानने से इनकार करते हैं। विरोध जरा भी बर्दाश्त नहीं होता इन्हें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कुरान में लिखा है, जो इस्लाम में ईमान न रखते हो उनका सर कलम कर दो, और ईमान न रखने वाले वही हैं जो नमाज नहीं पढ़ते और शरीयत के कानून को नहीं मानते। तुम तालिब हो, यानी इस्लाम के तालिब इल्म, तुम्हारा फर्ज है कि अल्लाह के पैगाम को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाओ, और जो इस काम में रुकावट बने उसको मार डालो। इंशाअल्लाह हम अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। अल्लाहु अकबर। साहब कमाल मुझे बचा लीजिए, वो लोग मुझे मार डालेंगे। क्या बात है, क्यों मार रहे हो इसे? हमारे और इसके बीच कोई नहीं आ सकता। साहब कमाल मुझे बचा लीजिए। आप इसे कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो इसे। औरतों से बात करना हमारी फितरत नहीं। यूं ही इसे नहीं ले जा सकते आप। तुम रोकोगी? लेकिन साहब, ये तो अच्छा आदमी है। नहीं, ये आदमी अच्छा नहीं है, ये नमाज नहीं पढ़ता। तुम कौन होते हो हमें बताने वाले कि हमें क्या करना है और क्या नहीं? मैं तुझे बताता हूँ। रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ, छोड़ दो इसे। जो भी इस्लाम के खिलाफ आवाज उठाएगा उसे मरना ही पड़ेगा। जानता हूँ क्यों मारना चाहते हैं मुझे ये लोग। हथियार खरीदने के लिए ये ड्रग्स बेचते हैं। ये हथियार और गोला बारूद मस्जिद में छिपा कर रखते हैं। The dog barks too much. चलो। मेरी बात याद रखना, अगर इन तालिबानों को ना रोका गया तो ये मार डालेंगे हमें, हम सबको। अम्मी, साहिब कमाल कहाँ है? वहाँ बावर्ची खाने में। जी। साहिब कमाल, तुमसे कोई खातून मिलना चाहती है, दवा खाने में बैठी है, कहती है बहुत जरूरी काम है। अस्सलाम वालेकुम। तो तुम सारा हो? जी। कहाँ की रहने वाली हो? कोलकाता।
इंडिया। ओ, तो हम दोनों एक ही मुल्क के हैं। जी, और किस्मत भी एक सिपाही है। जाइए आप सब, सुबह आइएगा। हाँ, चलो तो बताओ सायरा, कहाँ रहती हो अफगानिस्तान में? मोहम्मद खैर, यहाँ से करीब 10 मील होगा। तुम्हारे बारे में काफी सुना है मैंने। एक हिंदुस्तानी डॉक्टर को मिलने मैं लंबा रास्ता तय करके तुम्हारे पास आई हूँ। हुआ क्या है? मैंने सुना है तुम इंडिया वापस जाना चाहती हो। मैं तो वापस जरूर जाऊंगी, कामयाबी की उम्मीद करती हूँ। देखिए, आपसे मुझे एक मदद चाहिए। मेरे पेरेंट्स सिंथीमोड़ कोलकाता में रहते हैं। मेरे हस्बैंड का भाई इब्राहिम भी वहीं रहता है। वो अगर उसे कोलकाता में पकड़वा सके तो मुमकिन है कि मेरे इन लॉज मुझे वापस भेज दे। अपनी मर्जी से नहीं रहती हो तुम यहाँ? न मेरे पास पैसे हैं और न सपोर्ट। वो मुझे छोड़ भी दे तो भी मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं अब और सहन नहीं कर सकती फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर इन लोगों का। तुम्हारे हस्बैंड साथ नहीं रहते? मैंने नवाब से प्यार किया था, अपने परिवार के खिलाफ जाकर मैं नवाब के साथ यहाँ भाग आई। वो मुझे यहाँ इस दोजख में ले आया। यू नो, उस समय ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, पर मैं नवाब को बच्चा ना दे सकी तो उसने दूसरी शादी कर ली। मुझे अपनी पिछली जिंदगी, रीति रिवाज, सब कुछ भुलाकर इस दूसरी औरत के साथ मुकाबला करना पड़ा। और इसके बाद क्या हुआ? उसने उसे एक बच्चा दिया और नवाब शिफ्ट हो गया सबको लेके पाकिस्तान। यहाँ मैं अनजान थी इस बात से कि बच्चा पल रहा है मेरी भी कोख में और बाप वो है। तो उसे जन्म दिया? हाँ, बच्चे को जन्म दिया, मगर नवाब ने साफ साफ कहा इस बेबी से उसका कोई वास्ता नहीं। इस वजह से तुम? मैं यहाँ रहती हूँ इन लॉस के साथ, उनके रहमो करम पर। उनकी मर्जी हो तो मुझे खाना मिलता है, वरना नहीं वो मुझे मारते हैं किसी भी तरह। तुम अगर मेरा मैसेज मेरे फादर के पास पहुंचा सको तो मैं आजाद हो सकती हूँ और साथ ही मेरा बच्चा भी। यहाँ हजारों लड़कियां अफगानिस्तान में जो आज पछता रही है हमारी तरह। ओ, मुझे जाना चाहिए, देर हो चुकी है। प्लीज मेरे पेरेंट्स को खबर कर देना। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती सायरा, कुछ नहीं जानती। Yeah,